कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनकी ये हरकतें बहुत दुखी करती, और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज्यादा दुखी उनके इन कारनामों से होती होगी। रातों रात एक कागज पे थप्पा मार करके सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग CAA कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? और अगर करने जाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे हैं, 1 साल 1 PM ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय, फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डेप्यूटी CM है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल 2 मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 1.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। ये राम मंदिर की जो ट्रस्टी है ना, ये अच्छे लोग हैं, तो कांग्रेस के सारे पाप माफ कर दिए और घर जाकर के निमंत्रण दिया कि नहीं भाई चलो जो हो गया आओ। उन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे कांग्रेस वाले जरा आईने में चेहरा देखो, वो अयोध्या के अंसारी, अयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिंदगी भर राम मंदिर के विरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा, उसके पिताजी भी लड़ते रहे, वो भी गुजर गए, वो भी लड़ता रहा, लेकिन जब न्यायालय ने कहा कि भई ये राम मंदिर है, तो वो अंसारी खुद प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आकर के वहां मौजूद रहे। जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर राम के शरण आए और ये राम का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो DMK पार्टी, वो उनकी खासम खास, वो कह रही है सनातन को गालियां देने पर अब उतारू है, कहती है
ये सनातन तो डेंगू है, मलेरिया है। और जो लोग सनातन के विनाश की बात करते हैं उन्हें इंडिया गाड़ी के लोग महाराष्ट्र बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। ये दृश्य देखकर के मुझे तो सोचता हूं बाला साहब के पर कितनी बीती होगी, बाला साहब ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुंची होगी। ऐसे लोग हैं ये। इतना ही नहीं, इंडी अगाड़ी वोट बैंक की राजनीति में इतना गिर गया है कि शिवाजी महाराज की धरती पर ये औरंगजेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए हैं। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटे में जो 27% आरक्षण है वो मुसलमानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया, रातों रात एक कागज पे थप्पा मार करके सभी मुसलमानों को ओबीसी बना दिया रातों रात। और इसके कारण वो ओबीसी का जो कोटा था उसके हकदार बन गए, और जो ओबीसी को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया। भाइयों,